पटियाला में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊं गांव के अंदर। अब इस वक्त ट्रैक्टर में बैठकर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको तस्वीरें आप तक पहुँचाऊं। यहाँ पर देखिए कमर तक पहुँचता हुआ ये पानी, गांव के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ डूबा हुआ है, चारों तरफ अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। कुछ राशन की दुकानें हैं जो आवश्यकता के लिए यहाँ पर खोली गई हैं, ताकि लोग जो हैं वो अपने सामान यहाँ इकट्ठा कर पाए, ले पाए खाने पीने का कम से कम। यही दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं कि देखिए किस तरह चारों तरफ पानियां हैं। गाड़ी जो है वो डूबी हुई आपको नजर आ रही होगी, लोगों के घर जो है वो डूब चुके हैं। तो आलम कुछ ऐसा है कि सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा ये गांव अगर आप देखें तो समझ सकते हैं कि पूरा गांव जो है वो पानी में डूब चुका है। राहत की नजर पे वो बैठा हुआ है कि किसी तरह राहत जो है वो उन तक पहुंचे। यहाँ जो मकान आपको दिख रहे होंगे, लोग अपने घरों के बाहर मौजूद है, क्योंकि न खाने को है, न लाइट है, न पीने के लिए शुद्ध पानी है। लोगों की दुकानों में गाड़ियां, ये हर तस्वीर आज तक आपको दिखा रहा है। इस वक्त मैं खुद अंदर गांव में जा रही हूं और यहां पर ट्रैक्टर की माध्यम से मैं आपको ये समझाना और दिखाना चाह रही हूं कि हालात कितने बुरे हैं। ये पटियाला की तस्वीर इस तरफ दिखाइए, देखिए लोग जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो डूबी हुई है और लोग जो है वो इन्हीं हालातों में जीने को मजबूर है, क्योंकि हालात बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं। अभी तो आप समझिए पानी जो है वो थोड़ा निकला है। यहाँ देखिए घर, हम आपको एक बार जल्दी से दिखा दें, यहाँ घर, पूरी गलियां, पूरी कॉलोनी जो है वो डूबी हुई आपको नजर आ रही होगी। तो ये आलम है पटियाला के गांव में मैं पहुंची हूँ, जहां पर आप देखिए चारों तरफ जल का तांडव मचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग है जो खुद अपने स्तर से देखिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। यहाँ से तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए लोग उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी मदद के लिए ये जो टीम, ये गाड़ी है ये जा रही है। देखिए एक गड्ढा और संभल के हाँ, यहाँ पर गड्ढों का भी देखिए आइडिया और वो पता नहीं चलता है, तो कई बार ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप संभल कर रहिएगा जोशी जी, यहाँ पर क्योंकि गड्ढा है, हो सकता है एक तरफ गाड़ी झुके, तो इनसे भी थोड़ा सा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गांव के अंदर की, लेकिन एक तस्वीर हम आपको जरा यमुना की भी दिखा दें साथ ही साथ। वहां पर जल स्तर जो है वो बहुत बढ़ चुका है, खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त जल स्तर है, खतरा वहां बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से भी हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि तैयारी पूरी की जा रही है, अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, एलजी नजर बनाए हुए हैं, खुद आतिशी अलग अलग जगहों पर, उन जगहों पर जहां जल भरा हुआ, जहां पर स्थिति खराब है, वहां पर वो जा रही है, स्थिति का जायजा ले रही है। लेकिन फिर भी जो इंतजाम दिख रहे हैं वो नाकाफी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद आलम कुछ ऐसा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो खराब हालत में लोग इस समय जी रहे हैं। आपकी बाइक बंद कर पड़ गई है, तो यहाँ पर देखिए लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, काफी दिक्कतें। ये पटियाला की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी गनीमत यह है कि दो दिन से यहाँ पर बारिश जो है वो नहीं हुई है, उसके बाद ये हाल है। वहीं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर किस तरीके के खतरा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो यमुना ने अपना तोड़ दिया है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सुशांत हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग जगहों पर आज तक के तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और ये रिकॉर्ड अब सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अर्पिता, पिछले 10 साल 2013 का रिकॉर्ड जो है वो इस बार दिल्ली के अंदर यमुना में जो है वो तोड़ दिया है। 207.37 पर यमुना का जो जल स्तर है वो पहुंच गया, और यही वजह है जिसके चलते दिल्ली के तमाम उन इलाकों के अंदर पानी जो है वो बढ़ गया है। हम यहाँ पर यमुना बाजार के पास जो कश्मीरी गेट मॉनेस्ट्री मार्केट है वहां पर मौजूद है, और मेरे यहाँ पर पहुंचने के तकरीबन आधे घंटे में लगभग 3 से 4 इंच जो पानी है उसका लेवल जो है वो बढ़ गया है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से घरों के अंदर हालात हैं, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है उनको बाहर निकालने की। ये तस्वीरें आप देखिए कि दुकान की ये तस्वीर है, यहाँ पर अंदर लोग हैं, अपने सामान को बचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि बाहर जो है वो सामान को निकाले और ऊंचे स्थानों पर चले जाए। इसके अलावा अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे कि जहाँ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात दिल्ली में क्या हो चुके हैं। रिकॉर्ड टूट चुका है 10 सालों का दिल्ली में, जिस तरीके से लगातार बारिश के बाद अब यमुना जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 5 राज्यों में देखिए बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है, कई जगहों से मौत की खबरें भी सामने आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्य, भारी बारिश वहां पर हो रही है। 4 दिन में अगर देखें तो 100 मौतें हुई हैं। कई जगहों पर हालात बद से बदतर हैं, खासतौर पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा दिल्ली वासियों के लिए और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।